14.1 कंस्ट्रक्शन रचना है। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहला क्वेश्चन है 14.1 का 6.7 सेंटीमीटर खींचनी है। पहले खींचेंगे हम 6.7, ये आ जाएगी आपके 6.7। इस रेखा को आपको 2:3 में बांटना है, ये है 2 और ये है 3, तो 2 और 3 कितने हो गए आपके 5। तो आपको करना है, पहले तो आपको एक लाइन खींचनी है, आप जैसे जो जो आप कर रहे हो वो आपको लिखना है, हिंदी है तो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में इंग्लिश में लिखो। सबसे पहले मैंने ए बी बराबर 6.7 सेंटीमीटर खींची, फिर मैंने एक कोण बनाया जिस कोण का नाम था आपके ए बी एक्स कोण, देख सकते हो। अगला मैंने आगे मैंने सेकंड बना सकते हो ए बी एक्स कोण बनाया, ऐसे मर्जी से कोई भी यहाँ ले लो, यहाँ पर कहीं भी लाइन खींचनी है आपको, ये लाइन ड्रॉ करनी है। अब क्या करना है, 2 और 3 तो हो गए 5, तो अब यानी 5 आपको आर्क काटने, चाप काटने, 5 आर्क काटने हैं, कितने काटने हैं, कितने सेंटीमीटर काटने हैं आपको बिना नाप के, ऐसे स्केल पर इतना सा ले लो जो भी है, यहाँ से यहाँ पर पहला चाप, फिर यहाँ रखो प्रकार और दूसरा चाप, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा, सबके नाम दे दो। ए और बी तो आ गया, और क्या बचा है, सी डी ई एफ और जी, ये वाला पॉइंट जी है और ये वाला पॉइंट एक्स है। अब क्या करना है, सबसे इन दोनों को मिलाना है, टोटल को और इसको, क्योंकि रेशो है 2:3, मतलब आपको यहाँ पर 2 रखने हैं और यहाँ पीछे कितने बचेंगे आपके, ऑटोमेटिक 3 बच जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम है इन दोनों को मिलाओ, तो मिला लिया, जो कोण आपके यहां बनता है, जैसे मान लो कि ये कोण 35 डिग्री है, तो वही कोण आपको कहां बनाना है, जैसे ये रहा 2, मतलब आगे वाले 2 छोड़कर 1 और 1 2 यहां बनाना है वही कोण। अगर ये कोण आपके 25 का है तो यहां 25 का बनाओ, ये 70 का है तो ये भी 70 का, 60 का ये भी बनाओ, 60 का बनाओ, 40 से ही बना लो, जो कोण आपको यहां मिलता है वही कोण यहां बनाना है, क्योंकि जो नियम है रेखाएं समांतर बनानी है, यहाँ रेखा क्या समझ कैसे बनाएंगे, जब उसके संगत कोण क्या होंगे आपके बराबर, ये वाले आगे वाले इसके संगत कोण, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण अगर बराबर होंगे तो रेखा क्या होंगे समांतर, अगर मैं जितना कोण यहाँ है उतना ही मैं यहाँ बना दूँ तो रेखा क्या हो जाएगी समांतर हो जाएगी। तो देखो या तो फिर स्केल कर लो, ये जो दे रखा है सेम ऐसा ऐसा आपको याद, जो आपके यहाँ है वही आपके यहाँ पर बना, जो कोण आपके यहाँ है वही कोण आपको यहाँ बनाना, जैसे ये जो कोण बनाते हैं वो प्रकाश से बनाते हैं, तो आप प्रकाश से भी बना सकते हो, पहले ही तो बाद में बना लो, मतलब आपको यहाँ से ऐसा एक चाप काटना, यहाँ से जी से जो पॉइंट कटेगा, मतलब नंबर 5 नंबर पॉइंट पर जो पॉइंट कटेगा वही चाप सेम चेंज नहीं करना है, वही चाप से जैसे मान लो यहाँ इतना गैप है तो यहाँ से वही चाप काटना है इतना गैप से। अब यहाँ लगाना है आपको ऐसे पॉइंट पेंसिल का और यहाँ नोका लगाना है, ये देखना है कितना है, तो वो भी आपके यहाँ यहीं पर कटेगा। आप पहले या तो दोनों ऐसे बनाओ चाप काट कर, या पहले ही कोण बना लो, जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण आपके यहाँ बनेगा, ये रेखाएं बिल्कुल समांतर होगी, ये कोई चेक नहीं करता है, चेक करता है कॉपी को, ओनली ये लाइंस पहले अगर उसको दिख रही है तो आपको पूरे नंबर दे देगा। अब करना क्या है, आपको यहाँ पॉइंट बनाएंगे जिसका नाम होगा आपके जी आ गया, अब ये क्या हो जाएगा आपके एच हो जाएगा, और ये दोनों में जो रेशो आएगा वो हो जाएगा 2:3। आप तो लास्ट में वेरीफाई भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हैं, ये लाइन और ये लाइन क्या है आपके समांतर हमने पैरेलल है, हम कह सकते हैं कि डी एच पैरल है आपके बी जी, ऊपर में नंबर आपके 11.1 चैप्टर में है, वहाँ वाले पर में लगेंगे आपको, मतलब के जब रेखाएं समांतर हो तो भुजाएं क्या होती है समानुपाती, जो अनुपात इन दोनों में है, इसमें जो अनुपात AD बटा इसमें और इसमें BG में है वही अनुपात इसमें और इसमें होगा,
एच बटा क्या हो जाएगा बी एच, क्यों होगा? या तो लिखो परमाणु नंबर 11.1 या लिखो बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, और हिंदी वाले लिख सकते हो मूला मूल्य अनुपात, मूला मूल्य अनुपात परमेय, और इंग्लिश में कहते हैं उसे बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो अगर लाइन आपके क्या ना प्रोपोर्शनल है तो यहाँ लिख सकते हो, और आगे क्या लिखेंगे, यहाँ रेशो 2 और 3 का है तो यहाँ रेशो क्या होगा 2 और 3 का होगा, सिंपल। ये भी लगा सकते हो प्रोपोर्शनल थ्योरम लगा सकते हो, या लगा सकते हो मूला मूल्य अनुपात परमेय भी लगा सकते हो, इससे जो अनुपात यहाँ पर है वही अनुपात यहाँ हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें खींचनी है 8.3, तो बनाओ पहले 8.3, ये आ गए आपके ए बी 8.3। इसको भी आप ऐसे इसने कहा ए सी बराबर है, ए सी मतलब यहाँ पर एक पॉइंट है सी, कोई भी एक पॉइंट है। अब देखो हमारे पास बीच में कहीं जैसे यह सिंपल मान लो यहाँ है आपके बी, यहाँ है ए, बीच में क्या है सी, तो मुझे अगर ए सी में और ए बी में एक नहीं बी सी में अनुपात निकालना है तो ए सी कितना है, ए सी तो है 1/3, अरे ये भाग 1/3 ये भाग क्या होगा 2/3, पूरा कंप्लीट में से क्या करते हैं 1 में से 1/3 घटाएंगे तो पीछे बच जाएगा आपके 2/3, ये वाला भाग 1/3 तो वो वाला भाग क्या होगा 2/3, ये तो माइनस कर लो 1 में से घटा दो पीछे बचेगा पूरा भाग ये हो जाएगा। अब ये कैंसिल ये भी कैंसिल, अनुपात कितना हो गया 1:2, तो आपको 1:2 में इस रेखा को बांटना है। तो ऐसे हम पहले हम कोण बनाएंगे ऐसा वही सेम ए बी एक्स बनाना है पहले यहाँ पर देखो। अब यहाँ 1 और 2 है तो 1 + 2 बराबर कितने होते हैं 3, तो आपको 3 चाप काटना है, यहाँ पर काट रखो 1 चाप 2 चाप और 3 चाप, ए भी तो आ गया, यह आएगा सी, यह आएगा डी और यह आएगा आपके ई। इसमें भी सबसे लास्ट को मिलाया, इसमें भी सबसे लास्ट को मिलाना आपको, सबसे लास्ट वाले पॉइंट को सबसे लास्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे ये वाला मिला। अब जो कोण आप यहाँ बना मान लो यहाँ पिछत्र बन रहा है, एक कोण तो बनाना है आपको यहाँ पर और एक कोण बनाना है यहाँ पर, इन दोनों कोण से बनते जैसे यहाँ बनाए तो 2 पर आगे 2 था यहाँ 1 है, यहाँ अगर आपको कितना है यहाँ आपके कोण 75, यहाँ कितना है 75 का, नहीं तो देखो ऐसे लाइन कर लो इसके ऐसे लेके जाना है बिल्कुल पैरेलल ऐसे लेके जाना है और यहाँ ला के आपको एंगल बनाना कोण बनाना, ये जो कोण है वही कोण ये होना चाहिए, रेखाएं बिल्कुल समांतर लीनी चाहिए, कोई चेक नहीं करता है एंगल को, केवल दूर से देखेगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरी ये दोनों लाइनें पैरेलल है दोनों लाइनें समांतर है तो आपने जो किया है बिल्कुल करेक्ट किया। अब फॉर्मेलिटी के रूप में आप यहाँ प्रकार से चाप काट लो वही यहाँ से भी काट लो, फिर ये कितना है चेक करना है, यहाँ पॉइंट रखो और थोड़ा सा चाप काटो यहाँ से भी काट सकते हो, ये चाप नहीं करते चलेगा, यहाँ पॉइंट लिखो तो चले कि मैंने यहाँ से पॉइंट लिया और फिर यहाँ से चाप काट दिया, तो ये और ये कोण क्या होना चाहिए आपके इक्वल, ये फॉर्मेलिटी के लिए। वैसे बनाते थे इससे ही प्रकार से, प्रकाश से कहीं आप गड़बड़ नहीं हो जाए इसलिए आप चालू से बना लो और फिर ऐसे फॉर्मेलिटी कर दो मैंने प्रकाश में बनाया। अब यहाँ आ जाएगा सी ई आ गया, अब यहाँ क्या आएगा आपके एफ आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि हमें प्रूफ भी करना है कि ये जो लिखा हुआ है प्रूफ कैसे करेंगे, देखो अगर मैं लाइन्स पैरेलल लूं तो लगेगा बीपीटी थ्योरम, एक थ्योरम और भी है आपके, एक त्रिभुज हो गया है आपके ए सी एफ एंड त्रिभुज कौन सा हो गया है आपके ए बी बी, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों में देखो ये और ये एंगल बराबर है, क्या नाम है यहाँ लिख लो 1 यहाँ लिख लो 2, एंगल 1 बराबर क्या है एंगल 2 क्योंकि हमने क्या किया था कंस्ट्रक्ट किया था, फिर ये वाला एंगल एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए ये क्या है आपके कॉमन, यहाँ इस कंस्ट्रक्ट यहाँ लिख देंगे हमने की रचना और यहाँ क्या लिखोगे उभयनिष्ठ कोण, ए ए नियम द्वारा हम ये कह सकते हैं त्रिभुज ए सी एफ ये क्या होगा आपके समरूप होगा त्रिभुज ए ई बी के, समरूप है तो भुजाएं क्या होगी आपके समानुपाती, मतलब समानुपाती होगी आपके ये हो जाएगा ए सी एफ और क्या हो जाएगा ए सी बटा यह आएगा आपके ए ई बराबर क्या आएगा इसमें छोटी भुजा इसमें बड़ी भुजा लीजिए यहां पर आएगा ए एफ और ए बी
अब हमें ये वाला प्रूव करना है, ये वाला कैसे प्रूव करेंगे हम? अब तो देखो यहाँ लिखा हुआ है वन, तो ये लिखा हुआ है थ्री, ये लिखा हुआ वन, तो ये लिखा हुआ है आपके ये वन है, ये थ्री है, जैसे ये वन है और ये कितना हो जाएगा वन प्लस टू, कितना हो जाएगा आपके वन बाई थ्री हो जाएगा। इन दोनों में अनुपात कितना होगा आपके एक बटा तीन, क्या होगा देख सकते हैं बाई सी पी सी एस टी, समरूप त्रिभुज के संगत भाग हमेशा क्या होते हैं बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि ए सी जो साइड है, ए सी साइड मतलब आपने देखो ये हुआ एक छोटा वाला ट्रायंगल और ये हुआ आपके बड़ा वाला, ए सी के साथ आ रहा है ए ही, उसके साथ आ रहा है ये रहा, हो गया एक बटा तीन, उधर ट्रांस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके ए सी बराबर क्या हो जाएगा एक बटा तीन बी सी। अब लिख सकते हैं एक बटा तीन बी सी, लिख सकते क्या नाम है उसका ये भी लिख सकते हैं, ये वाली साइड इस पूरे की क्या है एक बटा तीन है, इसका यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर एक बटा तीन लिख कर सामने ये भी लिख दो ट्रांसफर कर लो। तो ऐसे अगर आप चाहो तो ये वाला थ्योरम लगा सकते हो, चाहो तो ये वाला थ्योरम भी लगा सकते हो, ये वाला है ए ए रूल्स द्वारा और ये वाला है बीपीटी 11.1, जैसे आप चैप्टर 11 का आपको आता है तो ये आप आराम से ये कर सकते हैं, ये नहीं भी करो तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, एक और क्वेश्चन आता है आपको केवल ऐसा ही आएगा, ऐसा इतना आपको आता नहीं, सिंपल जैसे दिया हुआ आएगा साइड दीजिए आपको ये वाला क्या करना है कष्ट करना, इतना से आता है, बड़ा क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपके तीन, रेडियस त्रिज्या दे रही थी 2.8, हमें क्या बनाना है सर्कल पर एक पॉइंट है, वर्थ पर एक पॉइंट है, उस पर आपको टेंजेंट खींचनी है। तो रूल्स है कि हमेशा त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कितना कोण होता है आपके 90 डिग्री का कोण होता है। हम बनाएंगे सबसे पहले 2.8 लेना है प्रकार में, 2.8 सेंटीमीटर लेना है और आपको बनाना है एक सर्कल, ये बनाएंगे 2.8 का, ये है सेंटर, इसको से मिलाएंगे ये हो गया है 2.8 त्रिज्या, रेडियस होगी 2.8 का। अब क्या करना है रेडियस और टेंजेंट के, यहाँ एक पॉइंट है आपके पी पॉइंट, इस पर आपको टेंजेंट खींचनी है। तो रूल्स है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 का एंगल होता है, यहाँ ऐसा चाप काटेंगे 60 120 और 90 यहाँ से काट और फिर क्या करेंगे इसको ऐसा मिला लेंगे, यहाँ से चाप काटना है आपको और इसको ऐसे मिलाना है, जो भी है आपको इससे ऐसे मिलाना है, सिंपल ये आता है। एक नंबर क्वेश्चन है आपके, अब है आपके त्रिज्या तीन का आपको बनाना है, त्रिज्या तीन यहाँ त्रिज्या तीन है पूरा मिला लो, इधर भी तीन इधर भी तीन और डायमीटर कितना हो गया आपके 6 कंप्लीट डायमीटर। अब दोनों तरफ हमें क्या बनानी है, दोनों तरफ हमें टेंजेंट खींचनी है, तो यहाँ भी बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल और यहाँ प्रकार रखो और यहाँ भी बना लो 90 डिग्री का एंगल, बनाकर दोनों को मिला लो, यहाँ भी मिला सकते हो दोनों तरफ, इधर भी टेंजेंट खींचेंगे और उधर भी, जो आपने किया वो आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं। अब है आपके पांचवा क्वेश्चन, त्रिज्या लेनी रेडियस 3.1, तो 3.1 रेडियस का क्या बनाएंगे हम, पहले सर्कल बनाएंगे आप, ये वाला ये हमने बनाया है, कितना है आपके 3.1, इसने कहा है कि आपको एक जीवा लेनी 2.3, तो जीवा लेंगे हम 2.3, तो ये है आपके 2.3 जीवा लेंगे, ये तो है आपके 3.1 और ये है आपके 2.3 और अब इस पर क्या दोनों पॉइंट के जीवा के दोनों हमें क्या खींचनी है टेंजेंट खींचनी, क्या करेंगे हम इधर से मिला देंगे ऐसे, यहाँ आपको बनाना है देखो ये टेंज, इस पर तो कभी कोई एंगल बनता नहीं है, इस पर तो हमें रूल्स क्या मालूम है कि त्रिज्या और टेंजेंट रेडियस और टेंजेंट कितना होता है 90 डिग्री का कोण होता है, हम क्या करेंगे यहाँ जो पॉइंट है इसको बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल, ये वाला ऐसे, आप चाहो तो यहाँ बना लो उल्टा, यहाँ 90 डिग्री बना सकते हो, अब उधर आके ज्यादा काटा हो जाएगी ज्यादा तो उधर ही बना लो, यहाँ भी चाहो तो इधर बना लो या इधर बना लो,
साठ, 120 बीच क्या जाएगा आपके 90। जहां भी बने हमारे यहाँ बन रहा है तो आपको यहाँ मिल जाता, जहां बन रहा है वहां बनाना आप अंदर की ओर ही बना सकते हो 90 डिग्री। यहाँ बनाओगे तो ऐसे बनेगा आपके, या तो बनाओ अंदर की ओर या बनाओ बाहर की ओर, लेकिन हमें इस कॉर्ड के दोनों साइड हमें क्या खींचनी है, टेंजेंट खींचनी है, और मतलब जीवा जीवा के दोनों ओर हमें क्या खींचनी, टेंजेंट स्पर्श रेखा खींचनी है। अब ये वाला त्रिज्या दे रखी है 2.7, तो बनाएंगे 2.7 का एक वर्ग बनाएंगे। इसने कहा आपको स्पर्श रेखा खींचनी है, टेंजेंट खींचनी है, वही ये है केंद्र, इसको से मिला लिया, यहाँ बनाएंगे 90 डिग्री का कोण, और 90 डिग्री कोण बनाकर यहाँ पर मिला लेंगे, तो ये हो जाएगी आपके क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। केवल टेंजेंट खींचनी है, लिख सकते हो हमने क्या क्या किया। अब है क्वेश्चन नंबर 7, हमें बनाना है 2.4 सेमी का वर्ग, तो बनाओ ये 2.4 सेंटीमीटर का वर्ग बना लेंगे। अब क्या करना है आपको, हमें बनाना है दो त्रिज्या बनाएंगे जिसके जिसके मध्य कितना कोण होना चाहिए, 60 डिग्री का। एक तो लाइन बनाने में ऐसे, और यहाँ बनाएंगे 60 डिग्री का कोण, तो ऐसे बना देंगे 60, या फिर आप चाप काट लो यहाँ से, ये चाप काट कितना हो गया यहाँ पर 60। इसमें कहा है कि अगर यहाँ बीच में 60 डिग्री का कोण है तो आपको खींचनी है दो स्पर्श रेखाएं, जैसे ये ओ है, ये ए है बिंदु, और ये बिंदु क्या है आपके, ये ए है, ये बी हो गया, और हमें इन दोनों से बनने वाली स्पर्श रेखा है, जैसे अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर हमने 4 या 5 में किया था, 6 में किया था, वैसे ही जैसे यहाँ पर थी लाइन, वैसे ही आपको क्या करना है, वहां तो लाइन थी, आप यहाँ लाइन नहीं दी है। इसने कहा इस पर क्या बनानी है, हमें टेंजेंट बनानी है, और जो बिंदु मिले उसे बोलेंगे टी बिंदु, और फिर हमें एसी की याद करना है, तो बनाओ वही किससे बनेगा, 90 डिग्री का कोण, या तो बना लो इधर 90 डिग्री, या बना लो इधर, आप तो इधर कॉपी सीधा कर दो, और यहाँ बना लो आप 90 डिग्री का कोण, 60 120, और ये हो गया आपके 90, इधर बना लो यहाँ प्रकार रखो 60 120 और 90, कम है जगह तो आप चाहो तो इधर भी बना सकते हो, ये हो जाएगा 90। पहले ये वाला बनाओ, फिर ये वाला, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये त्रिज्या है 90 डिग्री कोण, यहाँ 90 डिग्री क्या आना चाहिए, कोण आना चाहिए, यहाँ भी 90 डिग्री। अब यहाँ बिंदु है क्या टी, आप बताओ ये वाला कोण कितना हुआ, अगर आपने करेक्ट 60 बनाया है और ये करेक्ट 90 90 90 90 बनाया है तो ये कितना होगा 120, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग हमेशा होता है आपके 180 होता है, 180 में से अगर 60 घटाएंगे ये कितना होता है 120 होता है। अगर आपने यहाँ 60 बनाया यहाँ बनेगा 120, यहाँ 100 बनाया यहाँ बनेगा 80, यहाँ 70 बनाया यहाँ बनेगा 110, कुल मिला के दोनों का योग कितना होगा, हमेशा 180 होगा, तो ये तीनों अगर आप करेक्ट करेक्ट बनाओगे तो ये ऑटोमेटिक आपके बन जाएगा 120 डिग्री का। अब ये वाला कितना हो जाएगा आपके 120 डिग्री हो जाएगा। अब इसने कहा स्पर्श रेखा का मध्य कोण, यहाँ वाला कोण 70 है, यहाँ कोण से कभी भी आपके टेंजेंट नहीं बनती है, क्योंकि ये तो बाद में बनी, तो ये पहले कैसे बना, इससे क्या पहले हम ये बनाएंगे सेम ऐसे ही। अब मैंने बताया था 180 में से घटाएंगे 70 तो 110 आ जाएगा, और वो क्या आएगा ये वाला, मतलब त्रिज्या के मध्य रेडियस के मध्य कोण बनेगा। यहाँ वाला कोण अगर याद करना है 180 में से 110 माइनस कर देंगे, ये वाला 70 माइनस कर देंगे क्या 110 आएगा, यहाँ कितना बनाएंगे 110 का, यहाँ ऑटोमेटिक कितना बन जाएगा 70 बन जाएगा, तो हमें वर्ग बनाना 3.2 का, तो बनाओ 3.2 का वर्ग, ये हो गया आपके 3.2 का वर्ग हो गया। हमें बनाना स्पर्श का कोण बनाना, पहले करेंगे ये वाले सिलाई बीच में कोई भी, तो इससे बनाओ कितना स्पर्श का आप प्रकाश से नहीं बना सकते, हम क्या करेंगे इससे बनाएंगे, चांदे से बना सकते, प्रोटेक्टर से बना सकते, ये हो गया आपके 110 डिग्री। दोनों का योग कितना होता है 180, यहाँ बनाएंगे पहले 90 डिग्री का कोण, 60 120, बीच में क्या हो गया 90, ये हो गया आपके 90 डिग्री। फिर यहाँ भी बनाएंगे 60 120, और यहाँ क्या हो जाएगा 90, यहाँ से बनाना है आपको, मिलाना बिल्कुल
यहाँ फिक्स होना चाहिए 90, यहाँ भी होना चाहिए 90, ये होगा 110, तो ये ऑटोमेटिक कितना बन जाएगा आपके 70 बन जाएगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है आमने सामने का 180 होता है, इसीलिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखा है, हमें बनाना है 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना, वर्क बनाना है, ये बनाया हमने 3 सेंटीमीटर का वर्क बनाया और ये है इसका सेंटर। अब इसमें कह रहा है कि आपको सेंटर से 5 सेंटीमीटर अवे या 5 सेंटीमीटर दूर आपको एक पॉइंट लेना है, तो यहां से कितना लेना है, 3 तो ये हो गया और 2 ये हो गया, सर्कल से 5 सेंटीमीटर दूर बिंदु लेना है यहां से सेंटर से, ये होना चाहिए 5, ये है 3, तो हमने क्या दोनों को मिलाना है, दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिला लो, स्केल से मिलाएंगे हम, ये हो गया मिला, ये इंपॉर्टेंट है आपके अगले वाले क्वेश्चन 10th और 11th में भी आपकी यूज होगा, ये मिला लिया। अब इस पर हमें क्या खींचनी है, इससे हमें टेंजेंट खींचनी है, स्पर्श रेखा है, यहाँ लो और दो चार काट दो, तुम्हारे यही कड़ी कटे हुई है हमारे, यहाँ से काट दो, नहीं तो यहाँ से काटो, फिर दोनों को मिला लो, हमें इस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी ये 2.5 तो ये भी 2.5 होनी चाहिए, और हम क्या करेंगे इसको सेंटर मानते हुए, इसको केंद्र मानते हुए यहाँ रखेंगे वर्क, ये दोनों बराबर होने चाहिए आपके, यहाँ वर्क रखते हुए हमें एक ऐसा वर्क बनाना है जो दोनों लाइनों को टच करे, ये इधर टच करना चाहिए, इधर टच करना चाहिए आपको। अब दोनों सर्कल के ऊपर स्थित बिंदु कॉमन पॉइंट, दोनों सर्कल के कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट ये वाला, तो ये होगा कॉमन पॉइंट और ये यहाँ से क्या खींचेंगे हम बाहर वाले बिंदु से, हमारा मेन ये है, ये तो हमने अलग से ऐसे ही बनाया हुआ है, हमारा जो मेन सर्कल है, मेन सर्कल आपके ये है, बाहर बिंदु से खींचेंगे तो ये वाली लाइन आप ऐसे बनाएंगे, ये हो जाएगी आपकी टेंजेंट, जैसे मैंने किया ऐसे टेंजेंट आप भी कर सकते, मतलब आप जगह रख सकते हो, दबर से साफ कर सकते हैं। ये ऐसा मिला है, इधर ही मिला लो, इधर ही मिला लो, ये क्या जाएगी आपका टेंजेंट, ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में भी करना होगा, तो आपको ये समझना है, ये सर्कल बनाना है, पॉइंट लेना है, इसका हाफ करना है, और यह सर्कल बनाएंगे और उसको ऐसे मिला देंगे, दोनों कॉमन पॉइंट्स को खींचकर टेंजेंट खींचेंगे। अब है आपको क्वेश्चन नंबर 10, हमें खींचनी है 8 सेंटीमीटर, देखो एक तो सर्कल बनाना है आपको 4 सेंटीमीटर का वर्क बनाना है और ये बनाना है आपको 3 का, दोनों के बीच गैप कितना होना चाहिए 8 सेंटीमीटर का, तो पहले खींचेंगे हम 8 सेंटीमीटर, ये हो गया आपके 8 सेंटीमीटर, ये हो गया आपके, इधर तो हो गया पॉइंट ए, इधर हो गया है पॉइंट बी। अब पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए, पॉइंट ए को केंद्र मानते हुए हमें क्या बनाना है, 4 का वर्क बनाना है, तो हम बनाएंगे 4 का वर्क बनाएंगे, यहां से ये बनता है 4, इधर से बनाएंगे हम 4 का वर्क और इधर से बनाएंगे हम 3 का वर्क और इधर से बनाएंगे हम 4 का वर्क, ये वर्क बना लिया। अब हमें खींचनी है 2 कॉमन टेंजेंट, उभयनिष्ठ 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचनी है, एक खींचेंगे हम इधर से एक खींचेंगे इधर से, ये तो आंसर। फिर भी अगर आपको इसके अंदर और भी कुछ दे रखे, आपको उसके समांतर रेखाएं भी खींचनी है, क्या करेंगे देखो, यहाँ जो लाइन थी इस लाइन में और इस लाइन में गैप रह गया, देखो ये पॉइंट तो मिला है आपके यहाँ पर और ये पॉइंट मिला है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में आपके 1 सेंटीमीटर गैप रह गया, ये वाला ये ले जाएंगे तो ये यहाँ 2, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, क्योंकि ये 4 का वर्त है, ये वर्त आपके है इधर से है 4 का और इधर कितना है आपके 3 का है, तो दोनों के बीच में जो स्पर्श रेखा थोड़े से ऊंचे ही है, वो गैप कितना रह गया 1 सेंटीमीटर,
यहाँ जो गैप रह गया है वो है आपके 4 माइनस 3, कितना गैप रह गया आपके 1 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे इस यानी कि जो आपके तो यहाँ 4 यहाँ भी 3 करना है, कैसे करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या बनाएंगे 3 का एक ये घटाएंगे ना, 1 का क्या बनाएंगे वक्त बनाएंगे हम, ताकि यहाँ पर वक्त खींचने पर ये थोड़ी सी लाइन ऊपर आ जाएगी। हम क्या करेंगे इस बिंदु पर हम क्या खींचेंगे यहाँ पर एक 1 सेंटीमीटर का वक्त बनाएंगे, ताकि आप देखो ये गैप भी कितना रह गया 3 का और ये गैप भी कितना रह गया आपके 3 का, दोनों गैप एक जैसे हो गए, जैसे हमने यहाँ इसको मिलाया आपने जैसे बड़ा खींचा इस बड़े के अंदर, क्योंकि बड़ा हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया 3। हम क्या करेंगे इसको कोमल लाने के लिए हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का क्या बना दिया हमने यहाँ पर वर्त बनाया। अब क्या करना है सिंपल है, ये तो है आपके सर्कल और ये है सामने वाला, इसको ध्यान देना आप इसको ध्यान देना, ये दोनों मिले हुए हैं, इन दोनों को मिलाएंगे और हमें क्या करेंगे इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, कैसे खींचते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था, इन दोनों का हाफ करेंगे इसको क्या बनाएंगे सर्कल बनाएंगे ऐसे डॉट डॉट के साथ और फिर दोनों को मिलाएंगे। ध्यान कैसे करना आपको, ये है सर्कल है, इससे इन सब को भूल जाओ, केवल ये ध्यान रखना है ये वर्त है और ये बाहर का पॉइंट है। हम क्या करेंगे इसको पहले करेंगे हाफ, हाफ ही होगा क्योंकि पूरी 8 है, 8 का हाफ कितना हो जाएगा आपके 2 हो जाएगा, ये हो गया 8 का हाफ। अब क्या करेंगे इसको सेंटर मानते हुए सर्कल बनाएंगे चारों, तो ये बनाएंगे सर्कल, ये बनाएंगे सर्कल ऐसे ही डॉट के साथ बनाना है, ये आपका मेन सर्कल नहीं है, बस हमें टेंजेंट के लिए बनाया गया है। यहाँ जो दोनों सर्कल जैसे ये दोनों पॉइंट यहाँ मिलते हैं टेंजेंट की तरह, यहाँ भी हम ऐसे करेंगे हम खींचेंगे टेंजेंट, ये और फिर यहां से यहां पर ये बात। अब देखो इसको ऐसे मिला देंगे, सेंटर से आप चौल उसको मिला लो ये आ गया, फिर ये वाला यहाँ आ गया, फिर ये वाला इधर जहां मिलता है पॉइंट्स वहां बनाएंगे, फिर ये वाला इधर जो जो पॉइंट मिल रहा है उस पॉइंट आपके ये वाली लाइन यहां से लगाकर यहां तक और ये वाली लाइन क्या होगी आपके ऊपर 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 हो जाएगी। ऐसे बनाना हमें। अब है आपके 11th क्वेश्चन, हमें दो रेडियस के हमने बनाया सर्कल बनाने, बीच में गैप कितना होना चाहिए, गैप होना चाहिए 6 सेंटीमीटर, तो हम बनाएंगे 6 सेंटीमीटर पहले स्क्वायर से बनाएंगे, ये बनाएंगे हम 6 सेंटीमीटर, ये आ गया ए और ये आ गया आपके बी। अब यहां से तो इसको सेंटर मानेंगे, इधर हम इसको सेंटर मानेंगे, हम बनाएंगे 1.7 का, तो बनाओ यहां पर 1.7 का क्या बनाना है आपको सर्कल बनाना है छोटा सा, तो बनाना है 2.8 का, तो 2.8 का आके बन जाएगा यहां 1.7 का और 2.8 का, ये कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, इसने कहा है हमें एक उभयनिष्ठ तिरेक स्पर्श रेखा, तिरेक मतलब तिरछी ट्रांसवर्सल, जैसे होती है दो लाइन पैरेलल है और ये हो गई ट्रांस तिरछी लाइन, तो हमें एक तिरछी लाइन खींचनी है एक ही स्पर्श रेखा वो भी तिरछी, ये तो होती है अलग से, दो खींचनी हो तो यहाँ खींचेंगे और एक खींचनी हो वो भी ट्रांसवर्सल तो ऐसा खींचेंगे, ये अब ये वाला जो पॉइंट है आप ये कितना दूर है 1.7 और ये वाला जो गैप है आपके ये कितना 2.8, टोटल जो गैप है आपके वही देखो यहाँ जो दोनों लाइनों में अगर पहले बनाना था, पहले तो दोनों लाइनों के बीच में गैप केवल यही था, अब गैप ये है इन दोनों लाइनों के बीच में इतना गैप, वो कितना गैप है आपके मान ये वाला गैप है कम से कम 5 के आसपास, मतलब ये गैप और ये वाला गैप दोनों गैप मिलकर मतलब 1.7 प्लस 2.8
दोनों गैप मिलकर कितना हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा 5 और 4, 4.5 का बीच में गैप। जैसे मान लो ये एक है, 4.5 का गैप थी, या ऐसा समझ लो ये वाला गैप, टोटल गैप कितना आएगा, 4.5 का गैप है। जितना गैप आया ऐसा खींचेंगे तो आपको माइनस में गैप है, और ऐसा करेंगे तो गैप बढ़ जाए बहुत ज्यादा, पिछे खींचेंगे तो सीधी खींचेंगे तो एक गैप आया छोटा गैप, यहाँ अगर पिछे खींचेंगे तो आपके गैप बढ़ जाएगा। अब इसके पहले नहीं खींचेंगे तो क्या करेंगे हम, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इधर से यहाँ इधर ही करना है, आप चाहो तो इधर ही बना लो, इधर कहीं भी बना लो, आपको बनाना है कितना 4.5 का बनाना है टोटली। ऐसे रहने दे, इधर ही खींचनी है आप, क्योंकि ये पहले रहे तो लाइन भी इधर ही खींचनी है, इधर खींचनी है मतलब आगे, अगर आप चाहो तो इधर, अगर आपने लाइन खींची ये वाली टेंजेंट इधर से मिली है तो आप इसमें बनाना पड़ेगा आपको, और अगर आप लाइन इधर खींची है तो इस पर आपको सर्कल बनाना कितना बनाना, 4.5 का बनाना पड़ेगा। तो हम बनाएंगे 4.5 का सर्कल, तो 4.5 आती है आपके यहाँ पर, थोड़ा आगे यहाँ पर ये बनाएंगे हम 4.5 का सर्कल बनाएंगे, ये बनाएंगे मतलब। अब आपको क्या करना है कि ये लाइन है एबी और यहाँ है आपके 4.5 का सर्कल, बस अब इन दोनों को ही ध्यान रखना है। अगर आपने लाइन इधर खींची तो इस पर आपको सर्कल बनाना 4.5 का, इधर खींची है ये तो देखो ये खींची है तो टेंजेंट भी ऐसे ही आएगी ताकि लाइन आ गया बन जाए पैरेलल बन जाए, एक ही खींचेगी तो एक ही बनेगी पैरेलल, अगर इधर खींचा तो इधर भी बन जाएगी। इसके लिए फिर आपको दोनों में से एक एक करना होगा, आपको इधर खींची है लाइन तो इधर बनाओ सर्कल, लाइन इधर खींची है तो इधर बनाओ सर्कल, ताकि क्या आएगा जैसे ये लाइन ऐसी है तो टेंजेंट भी ऐसी आएगी सेम, जैसे आपकी ये हो जाएगा ये। अब हमें केवल इस 4.5 वाले को और इस पॉइंट को ध्यान रखना है, क्या करते हैं इस लाइन को बीच में से क्या करते हैं हाफ करते हैं, मतलब 3-3 इधर 3 इधर, यहां से करेंगे दोनों को हाफ करेंगे, यहां से और यहां से हाफ किया, हाफ किया तो कितना आएगा आपके, 3 इधर रहेगा और 3 इधर रहेगा हाफ करने पर। अब यहां क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, यहां वो डॉट डॉट वाला सर्कल बनाएंगे, तो यहां सेंटर मानते हैं हम क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे ये वाला, वो भी कौन सा डॉट डॉट बात, ये बनाएंगे सर्कल। अब यहां जो पॉइंट मिलता है कॉमन पॉइंट से क्या बनाएंगे, टेंजेंट, यहां बनाएंगे टेंजेंट जहां दोनों सर्कल आपस में टच हो रहे हैं, और सही बनाओगे तो ये दोनों लाइनें बिल्कुल क्या आएगी आपके पैरेलल आएगी, आप चाहो तो दोनों ऐसे मिला सकते, दोनों लाइन क्या आएगी आपके पैरेलल आएगी, तो आपको ऐसा खींचना है कॉमन टेंजेंट खींचो वो है, नहीं तो ऐसे खींचना आपको।